सर एक आदमी है, नाम सिंधी दल भाई बता रहा है अपना, पुलिस स्टेशन के बाहर बैठा था। मैंने पहले भी कई बार देखा उसे, उसने खुद आके कामले के पास सरेंडर किया है। बोल रहा है कि 2.5 साल में जितने भी मर्डर हुए हैं सब उसी ने किए हैं। बाकी ज़्यादा कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा सर, बोल रहा है कि आपसे मिलेगा तभी कुछ बताएगा। जी सर, ओके सर। अच्छा खासा सुरेला था अपन को, नहीं वो हवलदार लाठी मार के भगा है मेरे को। 30 रुपये फिक्स उधर सोने का, अपन के पास नहीं था तो अपन सोचा चला जाता है वहाँ से। फिर सोचा स्टेशन चला जाता है मैं, उधर ही आखिरी ट्रेन पकड़ लूँगा और सो जाऊँगा जाके यार, पहले भी कई बार किया है मैं। फिर अचानक बारिश हो गई साला, उधर ही एक टीन का तपरा पड़ा था किसी दुकान का, उसी में जाके दुख गया मैं। अब बारिश इतनी देर में रुकी साहब, ट्रेन किधर मिलता मेरे को। साहब एक सिगरेट मिल जाता तो। सिंधी दलवाई तेरा असली नाम है? हाँ साहब, अब तो यही नाम है मेरा। अपन खुद ही चूज किया है नाम। वो जो रमन राघव था ना जो इतना लोगों को मारा, उसका असली नाम भी सिंधी दलवाई था, तभी अपन ये नाम रखा अपना। पता नहीं साहब आपको, वो जो जोगेश्वरी में अपना चाचा रहता है ना, उसको पूरा स्टोरी मालूम है उसका। तुझे कितना पता है उसके बारे में? उसके पास एक वायरलेस था रेडियो, उसे वो अपना दुनिया बोलता था, उससे वो भगवान से बातें करता था, और भगवान जिसको बोलता था उसको मार दिया करता था। एक नंबर यमराज का दूत था साहब। मैंने पहले तुझे देखा है कहीं? पर अपन तो आपको बराबर देखता है साहब, कभी टीवी पे कभी अखबार पे, वो बाहर बैठा रहता ना अपन बराबर देखता है। आपके अंदर भी है साहब। क्या? लाइसेंस। आप जब चाहे किसी को मार सकते हैं, लाइसेंस है ना आपके पास। और पुलिस का काम है भगवान की गलती को दूर करना। इस मामले में तो अपन सेम टू सेम हुए ना, यमराज के दूत। पर मतलब सरकार आपको रहने को देती है, खाने को देती है, पर मैं बराबर देखता है आपको। अपन को लगता है अपन आपको आपसे ज़्यादा जानता है सर। कभी पुलिस स्टेशन फोन किया तूने? कौन मैं? ना। 2 साल पहले? नहीं साहब। किसी राघवन नाम के पुलिस ऑफिसर को? अपन के पास तो फोन ही नहीं ना साहब, ना पुलिस स्टेशन का ना अपना, वो तो बाहर काहे को बैठता मैं, फोन करता ना। तो बारिश ख़त्म होने के बाद अपन चल पड़ा। अपन का क्या ना साहब, अपन पैदा ही निशाचर हुए। अपन का बाप अपन को लोमड़ी बोलता था, बोलता था रात में इसकी आंखें चमकने लगता है। रात में क्या ना साहब, ये गाड़ी वाला लोग जो है दारू पी के गाड़ी चलाता है, तो सड़क पे चलने में बहुत डेंजर होता है। और अपन का आदत क्या है साहब कि सड़क के किनारे चबूतरे पे चलने का या बीच में, जैसे वो शतरंज का खेल होता है ना साहब, काला सफ़ेद ऐसे बारी बारी से वैसा। और अपन का क्या है ना साहब, सिर्फ काले पे चलता है, जहाँ सफ़ेद पे पैर रखा कि मतलब आउट। तो अपन अपने काले से काले पे पैर रखकर चलने लगा, और वहाँ सड़क आ गया, अपना काला ख़त्म, और अपन को तो आउट होना ही नहीं था। तो भगवान ने अपन को एक जादू दिया है, अपन ऐसा जोर लगा के सोचता है और वैसे ही दिखने लगता है।
तो सड़क पे काला सफ़ेद पिस्ता चला गया और अपन अपने काले से काले पे पैर रखकर चलने लगा। वो पता नहीं कहाँ से आ गया। आपने उसको बोला हट जा यार, वो हटे ना, ऊपर से पिए लता, वहीं सो गया। मैं उसको बोला भाई देख, वो समझ ही नहीं रहा था। मैं उसको प्यार से समझाया, फिर मेरे अंदर का जानवर जाग गया साहब। ऊपर से वो मुझको ऐसे देख रहा था जैसे उसको पता ही नहीं अपन कौन। मेरे काले पे खड़ा था, म्युनिसिपैलिटी का काला तो अलग बात थी, वो मेरा काला था, मैंने बिछाया था मन से इधर से। मैं उसे बोला भाई देख, मैं सिंधी दलवाई है। वो समझे ना कौन, मैं धक्का दिया, गिरा भी तो मेरे काले पे, अभी मैं तो उधर खड़ा नहीं रह सकता ना। ऊपर से फैला था, गिर के सो गया। मेरे समझ में नहीं आप क्या करें, मेरा दिमाग सटक गया और अभी जब वो नहीं हटा तो अपन सोचा क्या करें। तो अपन आ गया इधर कंप्लेन करने, तो अपन अभी इधर बैठे लता, अपन को पता चला पुलिस अपन को ढूंढ ली है, तो अपन सोचा आ जाता इधर, बता देगा सब कुछ, क्या हुआ, क्यों, कैसा, कि गलत फहमी दूर हो जाता है। अभी अखबार में पढ़ा मैंने कि कोई नौ जन को मारा, नाम याद नहीं मेरे को। अपन साहब भगवान से बातें करता है, भगवान अपन को बोला कि रमना तेरे को सोने को नहीं मिलता, इसका मतलब ये नहीं कि तो लोगों को मारेगा, चल जा 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 जाके बता दे पुलिस को, जेल में तुझे रहने को भी मिलेगा, खाने को भी मिलेगा और किसी को मारना भी नहीं पड़ेगा। सुबह पुलिस स्टेशन के बाहर जहाँ अखबार छांटा जाता है ना, वहाँ पता करो उसके बारे में, कोई तो पहचानता होगा ना इसे। सुबह अखबार पढ़ के आ जाता है स्टेशन के बाहर बैठने, किसी ने तो सुना होगा ना, यहाँ जेल में खाने को सोने को मिलता है। लेकिन सर उसकी स्टोरी क्रॉस चेक तो करनी पड़ेगी ना। अरे भाई उसके हिसाब से उसने सारे मर्डर कहाँ किए, रोड पर कितनी बॉडीज मिली हमें सर? दो दो। बाकी कहाँ मिली? स्लम्स में। अरे इसके चक्कर में जिसने मर्डर किया है वो भाग जाएगा, इस पर टाइम वेस्ट मत करो, उसको पकड़ो जिसने मारा है उसको, उसको रूम में ले जाओ, पीने को एक बूंद पानी मत देना, खाने मत देना, सोने मत देना, साला सब सच बताएगा। जेल को साला होटल समझ रखा है।